अपनी अदाव नाज का नौकर बना दिया, अपनी अदाव नाज का नौकर बना दिया, फिर उसने 7 बच्चों का फादर बना दिया। अपनी अदाव नाज का नौकर बना दिया, फिर उसने 7 बच्चों का फादर बना दिया, और शादी से कबल मैं भी तो काला गुलाब था, गुल्लर बना दिया। शादी से कबल मैं भी तो काला गुलाब था, उसकी निगाह शौक ने गुल्लर बना दिया, और पहले मैं एक चेक था 18 लाख का, पहले मैं एक चेक था 18 लाख का, बेगम की ख्वाहिशात ने चिल्लर बना दिया, बेगम की ख्वाहिशात ने चिल्लर बना दिया। मैं अमानुल्लाह सर, हमीद शारिक सर और तमामी कमेटी के और तमामी मौजूद बुजुर्गान और हमदर्दान कौम का मशकूर हूँ, और आप सबों का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया। मुझे बहुत खुशी हुई कि कोई तो है जो मेरे साथ अपना वक्त ज़ाया करना चाहता है। आइए मतलब 2-3 शेर समाप्त कर लें। इरशाद गिरामी, मैं डम को उंगलियों पे नचाने के वास्ते, बेगम को उंगलियों पे नचाने के वास्ते, मैडम को उंगलियों पे नचाने के वास्ते मैं ले चला हूँ अंडा फुकाने के वास्ते, मैं ले चला हूँ भाई सुंदर फुकाने के वास्ते, मैडम को उंगलियों पे नचाने के वास्ते। देखिए अभी तो खाली अंडा फूका गया है, मैं ले चला हूँ अंडा फुकाने के वास्ते, और तुम अपनी गर्म सांसों की आंचें उधार दो, तुम अपनी गर्म सांसों की आंचें उधार दो मेरी चने की दाल गलाने के वास्ते, चने की दाल गलाने के वास्ते। अगर असर साहब ने कह दिया शेर अच्छा है तो वाकई शेर अच्छा है। तुम अपनी गर्म सांसों के आंचे उधार दो, तुम अपनी गर्म सांसों के आंचे उधार दो मेरे चने की दाल गलाने के वास्ते, और वापस हुआ तो अपना ही बकरा नहीं रहा, वापस हुआ तो अपना ही बकरा नहीं रहा, निकला था घर से बकरी चुराने के वास्ते, निकला था घर से बकरी चुराने के वास्ते, वापस हुआ तो बकरा नहीं रहा, निकला था घर से बकरी चुराने के वास्ते। और एक शेर हो गया इसके अंदर, घर में जवा, हालांकि मैं जानता हूं यहां ऐसे लोग नहीं है, मगर ये शेर ऑल ओवर इंडिया के लिए है। घर में जवान बेटे तो टीवी में मस्त है, घर में जवान बेटे तो टीवी में मस्त है, घर में जवान बेटे तो टीवी में मस्त है, निकला है बाप रोटी कमाने के वास्ते, दर्द दिल का है ये साहब, जवाब नहीं है, वाह 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 वाह। घर में जवान बेटे तो टीवी में मस्त है, घर में जवान बेटे तो टीवी में मस्त है, निकला है बाप रोटी कमाने के वास्ते। और फिर आ जाइए अपनी मेरी औकात पर,
दोनों जवाई करने लगे फिर उठा पटक। दोनों जवाई करने लगे फिर उठा पटक, ससरे के सर में तेल लगाने के बाद। भाई जवाब नहीं है। ससरे के सर में तेल लगाने के बाद। भाई बहुत हो, बहुत हो। दोनों जवाई करने लगे फिर उठा पटक, ससरे के सर में तेल लगाने के वास्ते। सुंदर, अपना इलियास तो इस काम में नहीं शामिल है। उनका जरा बोल दो सर। मूसा भाई, हाँ, हम मूसा भाई के भी शुक्रगुजार हैं और इलियास साहब के भी, जिनके जरिए हम यहाँ पहुँचे और बहुत अहसन तरीके से पहुँचे। बहुत खिदमत है कि मैं उनके शुक्रगुजार हूँ। और दोनों जवाई हो गया, मक्ता होगा। व्हाइट कबूतरी तो कबूतर ब्लैक है। व्हाइट कबूतरी तो कबूतर ब्लैक है। व्हाइट कबूतरी तो कबूतर ब्लैक है, सुंदर अड़ा है जोड़ा लगाने के बाद। भाई जवाब नहीं है सुंदर का। सुंदर जिंदाबाद, जिंदाबाद सुंदर। व्हाइट कबूतरी तो कबूतर ब्लैक है, सुंदर अड़ा है जोड़ा लगाने के वास्ते। भाई बहुत खूब सुंदर जी। नहीं नहीं सुनिए, एक मतलब एक शेर ये होगा कि अगर मैं आवाज धीरे करके बोलूं या चेहरा थोड़ा संजीदा हो जाए तो खुदा के लिए आप संजीदा ना हो, नहीं तो कैसा है कि आपको ऐसा लगता है तो बहुत तकलीफ हो रही है यार, इसको हंसो मत जान दो। तो ऐसा नहीं है, आप हंसे और नए भी आ रही हो तो हंसे, इसलिए मेरे बच्चों की दुआएं लगेंगी आपका। असल में आदमी नहीं, ऐसे नहीं, इंसानों की तरह हंसे। आदमी तीन बार हंसता है। पहली बार इसलिए हंसता है कि बाजू वाला हंसता होता है। दूसरी बार इसलिए हंसता है कि बात उसकी समझ में आ जाती है। और तीसरी बार इसलिए हंसता है, बोले पहली दफा मेरे को समझा भी नहीं, हंस दिया। आइए एक मतलब एक दो तीन शेरों से बात कर लें। कल क्या तुम्हारे बाप का दीदार हो गया। कल क्या तुम्हारे बाप का दीदार हो गया, 10-15 मुझको कह हुई बीमार हो गया। 10-15 मुझको कह हुई बीमार हो गया। 10-15 मुझको कहूँ भी बीमार हो गया। और सुनते हैं तेरा बाप कमिश्नर था शहर का। सुनते हैं तेरा बाप कमिश्नर था शहर का। कमिश्नर था शहर का। सुनते हैं तेरा बाप कमिश्नर था शहर का। सुंदर तू कैसे सिर्फ हवलदार हो गया। सुंदर तू कैसे सिर्फ हवलदार हो गया। एक मतलब ये होगा कि मन्नतों से घर में बच्चा हुआ। मन्नतों से घर में एक बच्चा हुआ और कितने वर्षों बाद में अब्बा हुआ। कितने वर्षों बाद में अब्बा हुआ। और आप हबशी नस्ल हैं या इंडियन? आप हबशी नस्ल हैं या इंडियन? मसाला सुंदर ये फिर पैदा हुआ। ये एक मतलब एक से ये होगा। हाँ हाँ भाई, मुझे पढ़ने दें।
दबा और पढ़ दीजिए, ये शेर क्यों शर्मा रही है, पढ़ दीजिए। अच्छा नहीं, ये नया नहीं है, आप हबशी कमाल है। हाँ जी, बहुत दिन खराब चल रहे हैं अभी आज के। जय सूर्या जी। एक झलक ही दिखा दीजिए, एक झलक ही दिखा दीजिए, एक झलक ही दिखा दीजिए, चाहे कर्जा डुबा दीजिए। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चाहे कर्जा डुबा दीजिए, गजल में तराफत का मजा आ रहा है। जवाब नहीं है सुंदर। एक झलक ही दिखा दीजिए, भाई जवाब नहीं है सुंदर का। एक झलक ही दिखा दीजिए, चाहे कर्जा डुबा दीजिए, चाहे कर्जा डुबा दीजिए। और हक मेरा है ये पैदाइशी, हक मेरा है ये पैदाइशी, हक मेरा है ये पैदाइशी, मुझको उल्लू बना दीजिए। बहुत खूब, बहुत खूब। मुझको उल्लू बना दीजिए। और बोले आइए, एक मतलब दो तीन शेर नया सुना कर लो। करिश्मा दिखाना गजल पढ़ते पढ़ते, करिश्मा दिखाना गजल पढ़ते पढ़ते, करिश्मा दिखाना गजल पढ़ते पढ़ते, कोई गुल खिलाना गजल पढ़ते पढ़ते, कोई गुल खिलाना। बाज़ औक़ात शेर के अंदर तहदारियत होती है, तो ज़रूरी नहीं कि वो यहीं समझ में आ जाए, कल परसों तरसों आठ दिन के बाद भी समझ में आए तो सुंदर को याद कर लेना। हाँ, और मैं तो उसको शेर ही नहीं मानता कि बया वक्त का हजारों लोगों को इकट्ठे समझ में आ जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सुन। गजल पढ़ते पढ़ते और तेरे नकली बालों की तुझको कसम है, तेरे नकली बालों की तुझको कसम है, तेरे नकली बालों की तुझको कसम है, तू सर मत खुजाना गजल पढ़। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है सुंदर सुंदर। और पढ़े, और पढ़े, पढ़ते रहिएगा सुंदर। तेरे नकली बालों की तुझको कसम है, असली एकदम। तेरे नकली बालों की तुझको कसम है, तू सर मत खुजाना गजल पढ़ते पढ़ते, गम पदनी सा गम पदनी सा गम पदनी सा गम पदनी सा गम पदनी सा, ये आए ना आए मगर सुर लगाना गजल लगाना। भाई बाबा पढ़ते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा सुंदर सुंदर। और पढ़े, गम पदनी सा जो आए ना आए, गम पदनी सा गम पदनी सा गम पदनी सा, जो आए ना आए मगर सुर लगाना गजल पढ़ते, मगर सुर लगाना गजल पढ़ते पढ़ते, तता थई तथई थई छना छन छना तता थई तथी थई छना छन छना तता थई तथई थई छना छन छना, नया कुछ सुनाना। तालियां बजाइए, तालियां बजाइए, जरूर आएंगे। तालियों के दरमियान एक मरतबा और सुंदर वाले गा भी। नया
नाक सुराना। और पढ़िए और जी जी। हाँ, दो दो गम पद नीसा। हाँ अच्छा पढ़िए। गम पद गम पद नीसा जो आए ना। वाह भाई वाह। गम पद नीसा गम पद नीसा ये आए ना आए मगर सुर लगाना। गजल पढ़ते पढ़ते तता थई तथई थई छना छन छना नन तता थई तथई थई छना छन छना नन। नया कुछ सुनाना गजल पढ़ते पढ़ते। नहीं बहुत खूब सुंदर बहुत खूब सुंदर। आइए एक मतलब दो तीन शेरों से बात कर लें जी। एक आदमी बोले आपकी एक आदमी नुमाइंदगी कर सकता है। तकदीर बना दे। चल तकदीर बना दे तकदीर बना दे मेरे तकदीर बना दे। इन सब को मुजाविर तू मुझे पीर बना दे। बाबा तकदीर बना दे। हर चीज मैं चांद इसमें ये शेर अच्छा हो गया है। मैं चांद न सूरज न सितारा न समंदर। 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 लेकिन ए मुसव्विर मेरी तस्वीर बना दे। तकदीर बना दे। अच्छे शेर पे आप दाद नहीं देते हैं। लेकिन मुसव्विर मेरी तस्वीर बना दे। बहुत खूब सुंदर बहुत खूब। तकदीर बना दे। और एक का भी बहुत बड़े बड़े शेर कह गए हैं। एक छोटा सा शेर सुंदर मालेगामी का इरशाद अली। नफरत को मैं बकरी की तरह बांध के रख दूं। नफरत को मैं बकरी की तरह बांध के रख दूं। नफरत को मैं बकरी की तरह बांध के रख दूं। नफरत को मैं बकरी की तरह बांध के रख दूं। लोहार तू ऐसी कोई जंजीर बना दे। भाई जवाब नहीं है सुंदर पढ़ते रहिए सर। लोहार तू ऐसी कोई जंजीर बना दे। तकदीर बना। बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है सुंदर। मिश्रा उला अच्छा है। शेर कैसा है मुझे नहीं मालूम। इरशाद अली। हर चीज तेरी कुदरत आली की है मोहताज। 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 चमचाना बनूंगा मुझे कफगीर बना दे। तकदीर बना दे। बहुत अच्छा सुंदर। तकदीर बना दे। मैं जाके लिपट जाऊं हसीना के जिगर से। मैं जाके लिपट जाऊं हसीना के जिगर से। मैं मेरी बात कर रहा हूं। आने वाले बोले उनको क्या खुशी मिली। मैं जाके लिपट जाऊं हसीना के जिगर से। आशिकी निगाहों का मुझे तीर बना दे। वाह भाई वाह। तकदीर बना दे। मकरम सामी महफिले तालियां बजाइए आप। तालियों के दरमियान एक मरतबा और माइक पर जनाबे सुंदर मालेगामी। सुंदर मालेगामी माइक पर तशरीफ ला रहे हैं मजीद कलाम पेश करने के लिए। दूसरा दौर नहीं होना है क्या। चलिए एक मरतबा दो तीन शेर। जय सूर्य वाला जी साहब। मैं जय सूर्य वाला पढ़ रहा हूँ जी। बच्चों का पढ़ाई पे अगर ध्यान नहीं है।
बच्चों का पढ़ाई पे अगर ध्यान नहीं है, उस्ताद के डोके पे कोई तान नहीं, उस्ताद के मस्तक पे कोई तान नहीं है। जैसा तेरे ससरे का है चट्टान चमकदार, जैसा तेरे ससरे का है चट्टान चमकदार, जैसा तेरे ससरे का है चट्टान चमकदार, इस शहर में वैसा कोई मैदान नहीं, इस शहर में वैसा कोई मैदान नहीं है। कुर्सी के लिए कैसे करे कौम का सौदा, कुर्सी के लिए कैसे करें कौम का सौदा, कुर्सी के लिए कैसे करें कौम का सौदा, सुंदर कोई सरकारी मुसलमान नहीं है, सुंदर कोई सरकारी मुसलमान नहीं है। और ऐश्वर्या से देखिए भाई, बच्चन परिवार और उनको पसंद करने वालों से मैं माजरत चाहता हूं। ऐश्वर्या से शादी तेरी मुमकिन नहीं सुंदर, ऐश्वर्या से शादी तेरी मुमकिन नहीं सुंदर, मुमकिन नहीं सुंदर, ऐश्वर्या से शादी तेरी मुमकिन नहीं सुंदर, जय सूर्य के जैसा है तू सलमान नहीं, जय सूर्य के जैसा है तू सलमान। चंद लम्हों के बाद दूसरा दौर शुरू होगा जब जरूर सुंदर मालेगा भी तशरीफ लाएंगे। दोस्तों इतना हंसने के बाद क्या उसे मारोगे, वो जख्मी है पहले ही से। नहीं नहीं, ये आप जुल्म कर रहे हैं। आइए जनाबे